Welcome to Jan Steno Classes. स्टार्ट सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहां त्रुटि है, कहां कमी है। आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। पैरा, हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहां बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को 2 रुपए मजदूरी में मिलता है। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की और कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की और आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की, देहात में रहने वाले आदमी की, मजदूर की कोई परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहां से शक्ति आएगी, कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े कृषि फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है।